Hello everyone, wish you all a very happy Christmas. Well guys, I wish the magic of Christmas will fill each and every corner of your heart. Well, Christmas है लेकिन खबरों में कोई रुकावट है नहीं जी हाँ पिछले हफ्ते काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट कन्फर्मेशंस लॉन्चेस सब कुछ हुए थे और सभी के बारे में करेंगे बात इन डिटेल. सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन टू इट. शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना और साइड में जो बेल आइकन है उसको बजा देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक पहुंचे जैसे ही मैं उसे अपलोड करता हूं. वेल गाइस, शुरू करते हैं पिछले हफ्ते की सबसे बड़े लॉन्चेस के बारे में. जी हाँ, वीवो ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया उनका नया वीवो S16 सीरीज जिसके अंदर आते तीन डिवाइसेस, वीवो S16, वीवो S16 प्रो एंड वीवो S16e मॉडल्स. वेल, तीनों ही स्मार्टफोन्स में आपको मिल जाता है AMOLED डिस्प्ले अलोंग विद फुल HD+ रेजोल्यूशन अलोंग विद ए 120Hz रिफ्रेश रेट. एंड ये स्मार्टफोन्स में आपको मिल जाता है एक पंच होल सेटअप एट द सेंटर पोजीशन ऑफ द स्क्रीन. वेल, कैमरे के बारे में बात करें तो 16e आता है 50MP प्राइमरी सेंसर अलोंग विद 2MP मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर्स और 16MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा. वैनिला मॉडल में आपको मिल जाता है 64MP का प्राइमरी सेंसर अलोंग विद 8MP अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड 2MP मैक्रो सेंसर. और प्रो मॉडल में आपको मिल जाता है 50MP प्राइमरी सेंसर विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन अलॉन्ग विद 12MP अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड 2MP मैक्रो सेंसर. और वैनिला एंड प्रो मॉडल्स में आपको मिल जाता है 50MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा. वेल गाइस, वीवो S16e स्मार्टफोन आता है एक्सीनोस 1080 मोबाइल प्रोसेसर के पावर के साथ, वाइल वीवो S16 आता है स्नैपड्रैगन 870 मोबाइल प्रोसेसर के साथ और वीवो S16 प्रो आता है मीडियाटेक Dimensity 8200 मोबाइल प्रोसेसर के साथ. और तीनों स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है अप टू 12GB ऑफ रैम एंड 512GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज. और ये तीनों ही स्मार्टफोन आता है 4600mAh बैटरी के साथ और आपको मिल जाता है 66W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स. और जैसे मैंने पहले बोला कि ये सारे स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च हुए हैं और हम देख रहे हैं कब वीवो लॉन्च करेगा इसको इंडिया के अंदर, लेकिन आई बिलीव कि वीवो बहुत जल्दी से ये स्मार्टफोन्स को लेकर आ जाएगी इंडिया के अंदर. वेल गाइस, रेडमी ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया रेडमी K60 सीरीज की लॉन्चिंग डेट. जी हाँ, ये हो जाएगी December 27 को चाइना के अंदर ऑफिशियल. और इस स्मार्टफोन सीरीज के अंदर आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 फ्लैगशिप मोबाइल प्रोसेसर का पावर. रेडमी ने रेडमी K60 प्रो मॉडल की स्पेसिफिकेशंस भी ऑफिशियली रिवील कर दिया है. और रेडमी K60 प्रो में आपको मिल जाएगा 16GB रैम LPDDR5X वाला और 512GB UFS 4.0 स्टोरेज. और रेडमी ने यह भी कंफर्म कर दिया कि ये स्मार्टफोन में आपको मिलेगा 5000mm2 वेपर चैम्बर कूलिंग एरिया और वो बनेगा स्टेनलेस स्टील मटेरियल के साथ. मतलब काफ़ी अच्छा कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगी आपको इस फोन के ऊपर. लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल लॉन्चिंग ऑन December 27. वेल, इसके बाद रेडमी ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया रेडमी नोट 12 की लॉन्चिंग डेट फॉर द इंडियन मार्केट और ये भी January 5 को लॉन्च हो रहा है अलोंग विद रेडमी नोट 12 प्रो सीरीज. और ये अमेजोन के ऊपर अवेलेबल होगा और अमेजोन ने एक माइक्रोसाइट शुरू कर दिया जिसने रिवील कर दिया है कि इसमें AMOLED डिस्प्ले होगा, पंच होल सेटअप होगा द सेंटर पोजीशन ऑफ द स्क्रीन अलोंग विद ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप विद ए 48MP प्राइमरी सेंसर और 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगी. लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल लॉन्चिंग ऑफ द रेडमी नोट 12 प्रो सीरीज इन इंडिया. वेल गाइस, आगे बढ़ने से पहले हमारे technobug.com वेबसाइट के ऊपर बेस्ट ऑफ 2022 सीरीज चल रहा है, जाके चेकआउट कर पाओगे आपके इस साल के सबसे अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में जैसे कि बेस्ट ऑफ एंड्रॉइड ऐप्स, गेम्स, फोन्स, ईयरफोन्स, सब के बारे में आपको पता चल जाएगा बेस्ट ऑफ 2022 सीरीज के ऊपर. जाके चेकआउट कर सकते हो आप technobug.com के ऊपर. वेल गाइस, आगे बढ़ते हैं अगले सबसे बड़ी खबर के साथ. जी हाँ, सैमसंग ने और AMD ने अनाउंस कर दिया इंडस्ट्री फर्स्ट 12NM क्लास DDR5 ड्रम जो है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. और ये आता है 12NM क्लास ड्रम जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया और इसमें आपको बताया था 7.2GB/s की स्पीड और इससे आप 30GB हाई अल्ट्रा डेफिनेशन मूवीज को बस 1 सेकंड के अंदर डाउनलोड कर पाओगे. और ये 23% पावर एफिशिएंट भी है पिछले मॉडल से, मतलब इस काफ़ी पावरफुल होने वाला है ये ड्रम और ये अगले साल आएगा मार्केट के अंदर. सो लेट्स वेट फॉर द सेम. वेल गाइस, उसके बाद सबसे बड़ी खबर आती है ट्विटर के तरफ से. जी हाँ, आज के ट्विटर को कुछ आदत सी हो गई है ये हेडलाइंस के ऊपर रहने के लिए. वेल, एलन मस्क जो उनके नए CEO है ट्विटर के और बॉस भी है, उन्होंने एक पोल किया था लास्ट वीकेंड को ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर और पूछा था कि कितने लोग चाहते हैं कि वो इस पोस्ट को रिसाइन करें.
और ओवर 57% लोगों ने बोला कि उनको स्टेप डाउन करने के लिए, और उन्होंने बोला कि वो स्टेप डाउन करेंगे, लेकिन उनका हार्श एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है इस कन्फर्मेशन में। उन्होंने ट्वीट किया कि वो ऐसे एक बंदे फुलिश बंदे को ढूंढ रहे जो ये जॉब ले पाए। वेल लेट्स सी कि कौन आता है इस पोस्ट के ऊपर, एंड उसके बाद अभी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड द सेम। वेल गाइस, इसके बाद सबसे बड़ी खबर आती है आईफोन की तरफ से। जी हाँ, जो नया आईफोन 14 प्रो है उसके यूज़र्स के बुरे दिन कंटिन्यूस हो रहे हैं। जी हाँ, ऐसा कहा गया है कि इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस अपीयर होता है जब बूट होते टाइम, या फिर जब लॉक स्क्रीन को दबाते हो तो। उसका कोई सॉफ्टवेयर बग है और इस बग के ऊपर एप्पल काम कर रही है, और वी बिलीव कि एप्पल जल्दी से इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करे। और मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि आईफोन ने, और ये मैं जरूर मेंशन करना चाहता हूँ कि एप्पल ने आईओएस 16.2 रिसेंटली लॉन्च किया था, काफ़ी सारे बग्स को फिक्स कर कर, एंड 16.2 में भी बग्स आ गए, मतलब अब बहुत जल्दी 16.3 भी आ जाएगा। लेकिन 16.3 का डेवलपर टेस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो यस वी कैन एक्सपेक्ट कि बहुत जल्दी से आ जाए, 16.3 भी रोल आउट हो जाए। वेल, इसके बाद खबर आती है टेक्नो की तरफ से। जी हाँ, टेक्नो फैंटम X2 जो रिसेंटली लॉन्च हो गया था ग्लोबल मार्केट में, अब वो इंडिया में लॉन्च होगा अगले महीने, मतलब इन द अर्ली डेज ऑफ जनवरी 2023, और उसकी इंडियन प्राइसिंग टिप होगा। ये बोला है कि 26,999 में ये अवेलेबल होगा, और ये कहा गया है कि इसका बेस मॉडल हो सकता है, मतलब ये होगा 8 GB प्लस 256 GB स्टोरेज वेरियंट। और इस डिवाइस में आपको मिल जाएगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 मोबाइल प्रोसेसर अलॉन्ग विद 64 MP प्राइमरी सेंसर विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन और 6.8 इंच AMOLED कर्व्ड डिस्प्ले विद 120Hz रिफ्रेश रेट। और ये डिवाइस आपको मिलेगा अमेजोन के ऊपर। और टिप्सटर ने ये भी बोला है कि बैंक ऑफर के साथ आपको ये प्राइस होगा, और अगर ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो हमें देखने को मिल जाएगा इंडिया में ये फ़ोन सस्ता ग्लोबल मार्केट से भी। वेल गाइस, अभी जो आप फोटो देख रहे हो ये है मोटो M13 की फोटो जिसका रेंडर रिसेंटली लीक हुआ था, और इसमें आप देख सकते हो वाटर ड्रॉप नॉच है, पीछे कैमरा सेटअप है, और उसमें एक कैमरा है और एक LED फ्लैश है, मोटोरोला की लोगो है, एंड 3.5 mm हेडफोन जैक मिसिंग है, जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि बजट या फिर एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स में 3.5 mm जैक काफ़ी कॉमन होता है। सो गाइस, ये सब थे पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी खबरें। आप बताइए आप कौन से खबर को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए तो उसे सब्सक्राइब जरूर करना, और साइड में जो बेल आइकन उसको भी बजा देना ताकि इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक पहुंचे जैसे ही मैं उसे अपलोड करता हूं। सो गाइस, बनाइए क्रिसमस अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड स्टे सेफ, कीप बगिंग।